जिससे पहले कि मैं स्ट्रिंग के बारे में बात करूं, हम वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल बेसिकली एक प्लेस होल्डर होता है जिसके अंदर आप कुछ स्टोर कर सकते हैं और वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे कि समझते हैं कि 9 बच्चे थे और शवरमा 18 थे, तो अब आप ये वेरिएबल्स को भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में। किड्स, तो हाँ, इसका मतलब कि हर एक बच्चे को दो-दो शवरमा। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था कि आप वेरिएबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और इसके वेरिएबल्स के नाम के भी कुछ रूल्स हैं। वेरिएबल के नामों के अंदर आप नंबर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ये सब एक्सेप्टेबल नाम है, ये सब एक्सेप्टेबल नाम है। लेकिन आप शुरुआत में जो फर्स्ट लेटर है आप वो नंबर नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आपको एरर आएगी। आप अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं नाम के शुरुआत में, लेकिन आप ये कुछ कचरा वचरा नहीं लिख सकते। तो ये कचरा वचरे को अवॉइड करें और बेसिक नंबर्स और लेटर्स से अपने वेरिएबल्स बनाएं, और ऐसी वेरिएबल्स बनाएं जिससे कि आपको पता चले कि वो वेरिएबल काम क्या करता है। ये बस ऐसे ही एक टिप थी। तो चलें स्ट्रिंग्स के बारे में बात करते हैं। स्ट्रिंग्स आप सिंगल कोट में लिख सकते हैं या फिर डबल कोट में लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। बट अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर ही सिंगल कोट या डबल कोट कुछ लिखना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक सेंटेंस लिखना है, आई डोंट डोंट लाइक शवरमास, तो ये इसमें पाइथन कंफ्यूज हो जाएगी और उसको लगेगा कि यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग शुरू हुई और यहाँ पे आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई, बल्कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे शुरू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। तो अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट इस्तेमाल करना है तो आप अपनी बाहर वाली स्ट्रिंग बाहर डबल कोट्स दे दें तो वो कंफ्यूज नहीं होगा, या वाइस वर्सा भी। अगर आपको डबल कोट्स अंदर इस्तेमाल करना है तो पूरी स्ट्रिंग आप सिंगल कोट्स में दे दें। एक और एक तरीका है गाइस एस्केप कैरेक्टर्स से। तो अगर आप पाइथन को बताना चाहते हैं कि ये इसका अंत या खात्मा नहीं है, तो आप यहाँ पे एक स्लैश डाल के एस्केप कर सकते हैं और पाइथन को बता सकते हैं कि ये इसका खात्मा नहीं है, ये आखिरी कोट नहीं है। तो ये भी काम करेगा गाइस। और एक बात ये, हाँ बिल्कुल बहुत खास बात है, नॉट दैट खास। एक अगर आपको कंसोल पे कुछ आउटपुट प्रिंट करना है तो फिर उसके लिए फंक्शन है प्रिंट। प्रिंट के अंदर आप बेसिकली अपनी स्ट्रिंग दे दें या फिर उस वेरिएबल का नाम दे दें जिस जो आपने अंदर लिखा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्ट्रिंग का वेरिएबल नहीं बनाया है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप प्रिंट करेंगे रेस्ट तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। और हाँ, और एक बात गाइस, जैसे कि हमें पता है कि हम नंबर्स को ऐड कर सकते हैं, वैसे ही आप स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर सकते हैं। बट आप स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। एक स्ट्रिंग बनाते हैं, नेम नेम इक्वल्स मैक और नेम प्लस डोनाल्ड करते हैं। तो देखा गाइस स्ट्रिंग्स में प्लस एडिशन से कॉन्कैटिनेशन होता है। कॉन्कैटिनेशन मतलब पहली स्ट्रिंग के आखिर में दूसरी स्ट्रिंग चिपक कर जुड़ जाती है। तो देखते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी काम करता है। जी हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी काम करता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर से वो स्ट्रिंग उतने बार रिपीट हो जाती है जितने बार आपने उससे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये तो सिंपल एग्जाम्पल थे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक्सप्लोर करें कि माइनस ऑपरेटर या कोई दूसरे ऑपरेटर स्ट्रिंग पे सीधे काम करते हैं, यानी वो आप एक्सप्लोर करें। और हाँ, ये बात, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्मली प्रिंट करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड, एक सेकेंड, अगर आप नॉर्मली प्रिंट करना चाहते हैं हेलो वर्ल्ड तो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। कुछ अगर स्ट्रिंग आप प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप पहली स्ट्रिंग पहले लाइन पे प्रिंट करना चाहते हैं और दूसरी स्ट्रिंग दूसरे लाइन पे, तो अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि स्लैश एन हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्लैश एन बेसिकली एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसका मतलब होता है न्यू लाइन। ऐसे काफी सारे चीजें हैं, स्लैश टी मतलब टैब जिससे 4 स्पेसेस हो जाते हैं, स्लैश बी, ऐसे काफी सारे कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैं स्लैश एन दूंगा तो हेलो एक लाइन प्रिंट हो जाएगा और वर्ल्ड दूसरी लाइन पे। लेकिन मान लीजिए कि अगर मुझे स्लैश एन ही प्रिंट करना था, फॉर एग्जाम्पल आप अपने किसी डायरेक्टरी का नाम प्रिंट करना चाह रहे थे, नुगा, हाँ ठीक है। तो ओ क्या हो गया, देखा आपने कि स्लैश एन को इसने न्यू लाइन समझ गया और ये नई लाइन पे चले गया। लेकिन मुझे अगर ये सीधे ऐसे के ऐसे ही प्रिंट करना था
तो उसके लिए आपको डालना पड़ता है आर। आर का मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग। रॉ स्ट्रिंग का अगर आप आर डालते हैं तो फिर पाइथन का इंटरप्रेटर समझता है कि आप चाहते हैं जैसे का तैसा प्रिंट करना। तो ये तो एक काफी बेसिक था, और हाँ यही मैं आपको बताना चाहता था। तो अगर आप स्लैश एंड प्रिंट नहीं करना चाहते तो आप सामने आर डाल दें। आर का मतलब होता है रॉ स्ट्रिंग। और जैसे कि प्रिंट फंक्शन आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे इनपुट लेने के लिए, यूजर से कुछ पढ़ने के लिए फंक्शन होता है जिसका नाम है इनपुट। तो ट्राई करते हैं कुछ गाइस, इनपुट टाइप करके देखते हैं होता है क्या। जब हम जैसे हमने इनपुट टाइप किया तो नई लाइन में आ गया, और हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम कुछ टाइप करें। तो जैसे कि मैंने हारिस टाइप किया तो इसने हारिस इनपुट ले लिया। लेकिन सिर्फ इनपुट लेने से फायदा कुछ नहीं है, आपको इनपुट लेके किसी चीज में स्टोर करने से कुछ मतलब बनता है। तो जॉर्ज, तो अभी क्या हो गया गाइस, उसने पहले हमसे इनपुट पढ़ा और मैंने इनपुट दिया, और उस इनपुट को उसने स्टोर कर दिया इस वेरिएबल नेम में। और जब मैं वेरिएबल नेम की वैल्यू देखना चाहूँ तो वो जॉर्ज होगी। तो इस तरह आप लोग मतलब यूजर से इनपुट ले सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हमें इनपुट के साथ कुछ मैसेज भी डिस्प्ले करना होता है। तो आप इनपुट के अंदर ही कोई एक वैलिड पाइथन स्ट्रिंग डालते हैं और क्लोज कर दें इनपुट टैग। तो वो पहले मैसेज डिस्प्ले करेगा और आपसे इनपुट क्या है पूछेगा। तो आप कुछ इनपुट टाइप कर दें तो वो उसमें स्टोर कर देगा। तो बेसिकली आज हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में सीखा, इनपुट फंक्शन के बारे में सीखा, और स्ट्रिंग और बेसिक वेरिएबल्स का नाम कैसे होता है वो सीखा, वेरिएबल्स का नाम कैसे रखा जाता है, और स्ट्रिंग्स के साथ कौन कौन से ऑपरेटर्स वैलिड हैं या नहीं हैं उसके बारे में सीखा, और एस्केप कैरेक्टर्स के बारे में सीखा। और तो आज के लिए इतना ही नहीं, एक आपको एक और एक चीज बतानी थी। तो जैसे कि मैंने ये एक वेरिएबल बनाया है ए, इसका टाइप है 23, सॉरी इसका टाइप है इंटीजर। और अगर मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसमें एक स्ट्रिंग डाल दी तो इसका टाइप है स्ट्रिंग। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे सिंगल कोट्स में आ रही है, इसका टाइप है स्ट्रिंग। तो गाइस जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट जो भी इनपुट लेता है उसे स्ट्रिंग ही समझता है। तो अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया टी इक्वल टू इनपुट, और मैंने अगर वैल्यू एंटर की 56, तब आप टी की वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो वो कोट्स में आएगी, क्योंकि इनपुट बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में लेता है। तो अगर आप टी प्लस 23 करेंगे तो वो आपको बताएगा कि टाइप मिसमैच, क्योंकि 23 एक इंटीजर है और टी एक स्ट्रिंग है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब आप इनपुट लेते रहते हैं तब आप उसे टाइप कास्ट कर सकते हैं। टाइप कास्ट मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं टी इक्वल्स इंट ऑफ इनपुट। तो इससे बेसिकली क्या हो रहा है कि आप जो भी इनपुट ले रहे हैं आप उसको इंटीजर बना दे रहे हैं, और इंटीजर बना देने के बाद टी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो अगर आपने कोई इस बार नंबर डाला तो वो टी में नंबर की तरह स्टोर होगा, और आप उस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही।